हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताज तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टटेक फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सिग्नल है, जैसे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देंगे, आप इसे स्टार्ट बटन भी बोल सकते हैं, स्टार्ट मेनू भी बोल सकते हैं या फिर विंडो बटन भी बोल सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो इसका इंटरफेस यहाँ पे शो हो रहा है, इसे हम लोग कस्टमाइज कैसे करेंगे, ये आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले। सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप लोग प्रोडक्टिविटी यहाँ पे देख रहे हो, प्रोडक्टिविटी में जैसे यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर जो भी एप्लीकेशन है आप लोग यहाँ पे शो हो रहा है, इसके ऊपर जैसे यहाँ पे इसकी एक साइज दी गई, इसे अगर आप लोगों को साइज चेंज करना है तो इसके ऊपर सिर्फ राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद में रिसाइज ऑप्शन में चले जाना, और रिसाइज में जाने के बाद में जैसे स्मॉल है, मीडियम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, वाइड है और लार्ज है। जैसे अगर आप लोगों को स्मॉल करना है तो आप लोग स्मॉल पे क्लिक कर देना तो यहाँ पे उसकी साइज स्मॉल बन जाएंगी। उसके बाद में अगर आप लोगों को उसकी साइज अगर लार्ज करना है तो आप लार्ज भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी साइज लार्ज बन गई है। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को चाहिए, जैसे वाइड चाहिए तो आप वाइड भी कर सकते हो, या फिर उसके बाद में जैसे आप लोगों को मीडियम ही चाहिए तो आप लोग मीडियम पे ही रख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को इसकी साइज चेंज करना है आप अपने अकॉर्डिंगली इसकी साइज आप चेंज कर सकते हो। तो ये हुआ साइज के रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर या यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन शो हो रहा है अगर आप लोगों को रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए क्या करना है, सिर्फ उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जैसे दिया है अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, तो यहाँ पे अनपिन करने के बाद में आप यहाँ से उसे अनपिन कर सकते हो, मतलब वहाँ से उसे रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे वो इसके साइज और एक रिमूव का। लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पे जो कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं यहाँ पे अगर आप लोग कस्टमाइज करना है तो यहाँ पे जो आप लोगों का डेस्कटॉप है इसके ऊपर राइट क्लिक कर दो। राइट क्लिक करने के बाद में पर्सनलाइज पे क्लिक कर दो। पर्सनलाइज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप लोग एक सेकंड लास्ट ऑप्शन शो होगा स्टार्ट, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहला ऑप्शन है शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट। जैसे इसका यूज किया, जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑफ है तो यहाँ पे मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कितना स्पेस है। तो अगर आप लोगों को स्पेस बढ़ाना है तो स्पेस बढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ पे जैसे शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट इसके ऊपर सिर्फ यहाँ पे ये ऑन कर दोगे। ऑन करने के बाद में जो आप लोग यहाँ पे टाइल्स यूज कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो टाइल्स है आप लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे शो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेनू। अब ऐप लिस्ट का मतलब क्या है, जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक किए, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो लिस्ट आप लोगों को शो हो रही है तो यहाँ पे ये पूरी लिस्ट जो आप लोगों को शो हो रही है ऐप लिस्ट है। अगर ये आप लोगों को चाहिए तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑन दिया हुआ है। अगर आप लोग यहाँ से ऑफ कर दोगे, ऑफ करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लिस्ट शो हो रहे थे अब यहाँ पे शो नहीं होंगे। जो भी आप लोगों की ऐप की लिस्ट थी, जो भी आप लोगों ने सॉफ्टवेयर की यहाँ पे लिस्ट थी, ये लिस्ट यहाँ से हाइड हो जाएंगे। यहाँ पे ये डिपेंड करते हैं आपके ऊपर, अगर ऑन करना है तो ऑन कर सकते हो, ऑफ करना है तो ऑफ कर सकते हो। उसका नेक्स्ट ऑप्शन है शो रिसेंटली एडेड एप्स। अब शो रिसेंटली एडेड एप्स इसका मतलब क्या है, जैसे मैं पहले यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे रिसेंटली ऐप करके कोई शो नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे रिसेंटली एडेड एप्स से क्लिक कर दूंगा, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं रिसेंटली एडेड का मतलब है आप लोगों ने जितने भी सॉफ्टवेयर इसमें रिसेंटली ऐड किए, मतलब इंस्टॉल किए, इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पे उसकी पूरी लिस्ट शो होती है। जैसे मैं यहाँ पे एक्सपांड पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी सॉफ्टवेयर आप लोग उसके अंदर ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐड करने के बाद में उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है शो मोस्ट यूजर्स ऐप। अगर इसे ऑन कर देंगे, ऑन करने के बाद में यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोस्ट यूज करके एक ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। मोस्ट यूज का मतलब है जो सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन आप लोग बार बार ओपन करते हो, बार बार ओपन करने के बाद में यहाँ पे वो मोस्ट यूज में वो एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे शो होता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन। अब इस स्टार्ट फुल स्क्रीन का मतलब क्या है, जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे एक लिमिटेड स्क्रीन शो हो रही है यहाँ पे। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे ये ऑप्शन ऑन कर दूंगा, ऑन करने के बाद में आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ पे पूरी फुल स्क्रीन में यहाँ पे शो हो रही है। यही ऑप्शन मैंने आप लोगों को टैबलेट मोड में बताया था। अगर ये वीडियो आप लोगों ने देखी नहीं है तो यहाँ पे मैं आई बटन उसकी लिंक दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो वहाँ पे टैबलेट मोड में भी सेम ऐसी स्क्रीन यहाँ पे शो होती है, लेकिन सिर्फ उसमें यहाँ पे जो टास्क बार नीचे जो शो हो रहा है, ये जो टास्क बार है ये टास्क बार वहाँ पे वो टैबलेट मोड का शो होता है। और यहाँ पे जो आप लोग टास्क बार देख रहे हो, यहाँ पे जो टास्क बार है ये विंडोज का है अपना। अगर ये आप लोग क्लोज करना है तो सिर्फ एस्केप बटन प्रेस कर दो। एस्केप बटन प्रेस करने के बाद में यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग अगर स्टार्ट स्क्रीन है, अगर फुल स्क्रीन चाहिए तो यहाँ पे फुल स्क्रीन रख सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से इसे ऑफ कर दो। ऑफ करने के बाद में उसका इफेक्ट हट जाएगा उसे। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है शो रिसेंटली ओपन आइटम्स इन जंप लिस्ट ऑन स्टार्ट और द टास्क बार एंड इन फाइल एक्सप्लोर क्विक एक्सेस। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे फाइल एक्सप्लोर पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद में जो भी फोल्डर यहाँ पे ओपन करते हो, जैसे मैं म्यूजिक वगैरह पे क्लिक कर देता हूँ या जो भी डाउनलोड वगैरह पे मैं क्लिक कर देता हूँ,
क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो भी फोल्डर आप लोगों ने ओपन किए, ओपन करने के बाद में यहाँ पे जैसे मैं राइट क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे एक रिसेंट करके एक ऑप्शन शो होता है। रिसेंट ऑप्शन में यहाँ पे जो भी आप लोगों ने फाइल या फिर फोल्डर ओपन किए यहाँ पे शो हो जाते हैं। जैसे मैंने ऑप्शन ऑन नहीं किया, जैसे मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, ऑन करने के बाद में यहाँ पे मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर दूंगा तो राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मेरा शो नहीं हो रहा है। लेकिन आप अपने सिस्टम में चेक कर लेना कि जो भी आप लोग फाइल या फोल्डर जब यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर से ओपन कर दोगे, ओपन करने के बाद में उसे रिसेंट यहाँ पे शो हो जाता है ऑप्शन। तो यहाँ पे रिसेंट में जो भी आप लोगों ने फोल्डर ओपन किए थे यहाँ पे उसकी लिस्ट शो हो जाती है। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसका यूज ये है कि यहाँ पे ऑन करने के बाद में जो भी रिसेंटली फाइल आप लोगों ने ओपन की है तो यहाँ पे वो शो हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है चूज विच फोल्डर एंड प्रेस ऑन स्टार्ट, मतलब यहाँ पे आप लोग कौन सा फोल्डर चाहिए। जैसे यहाँ पे शो हो रहा है जैसे स्पीड है, डॉक्यूमेंट है, पिक्चर है, सेटिंग और पावर है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सेटिंग ऑन है तो वहाँ पे शो हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑन है तो वहाँ पे शो हो रहा है। तो वहाँ पे आप लोग यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो। जैसे अगर मुझे फाइल एक्सप्लोर भी चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे चेक कर सकते हो कि फाइल एक्सप्लोर मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप लोगों को यहाँ पे फाइल एक्सप्लोर नहीं चाहिए तो यहाँ से आप लोग उसे ऑफ कर सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को डाउनलोड फोल्डर वहाँ पे चाहिए तो आप लोग डाउनलोड फोल्डर यहाँ पे ये ऑन कर सकते हो, या फिर म्यूजिक चाहिए तो यहाँ पे ऑन कर सकते हो। ऑन करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दो और यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूजिक है और डाउनलोड यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जितना भी आप लोग स्टार्ट मेनू यहाँ पे शो हो रहा है, स्टार्ट मेनू में आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद हम इसे बैक कर देंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था, मुझे यही बताना था आप लोग अपने स्टार्ट बटन को, ये जो स्टार्ट मेनू है, इसे कस्टमाइज कैसे करेंगे। तो कस्टमाइज रिलेटेड जितनी भी ऑप्शन यहाँ पे थे मैंने आप लोग पूरे ऑप्शन बता दिया हो। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और मेरे यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर फॉरी को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना। और अगर आपके जो भी क्वेश्चन या फिर जो भी डाउट्स होंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।